अच्छा जी, हमने ये मैश टूल कर लिया था, आज हमें ये ब्लेंड टूल करना है। ठीक है, तो ब्लेंड टूल देख लेते हैं। मैं एक ये लाइन बना रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस कर लिए, स्ट्रेट लाइन हो गई आपकी। एक और लाइन मैं इसी के पहले नीचे बना रहा हूँ, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये इक्वल हो गई। अब मुझे क्या करना है, इनको ब्लेंड करना है। आपने ब्लेंड टूल ले लिया, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है एक बार यहाँ जाके से क्लिक कर लें, तो ये स्टार का साइन आ रहा है, तो यहाँ आप क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये ब्लेंड स्टार्टिंग यहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ तक करनी है। ये प्लस का साइन आ रहा होगा, यहाँ हिट कर दें। इन बिटवीन ये ब्लेंड्स हो गई, और इसमें कितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ गए वो हम देखते हैं। डबल क्लिक करें, ठीक है, और ये स्पेसिफिक स्टेप्स में 718 है। मैं यहाँ 20 कर लेता हूँ, जस्ट 20। ठीक है, और अब देखें प्रीव्यू ऑन होना चाहिए, दोबारा यहाँ क्लिक कर देंगे, 20 इन बिटवीन आ गई है। वो 10 करना है, दोबारा हिट करें, 10 कर लें, और प्रीव्यू देखिए 10 आ गए। तो इट्स अप टू यू, जितना आपको रिक्वायर्ड है। आप यहाँ पर 100 कर लिया मैंने, तो ये 100 लाइन्स आ गई हैं। देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, एक शेप बना लेते हैं सिंपल। ठीक है, और इसमें कलर कर लेते हैं फिर, और एक डिफरेंट शेप्स कर लेते हैं एक और। कलर चेंज कर दें इसका भी। चलें, अब ब्लेंड पे आ जाएं। ब्लेंड टूल से हमने ये सेलेक्ट किया, सॉरी ब्लेंड टूल, ये स्टार आ गया सेलेक्ट किया, और ये आपका प्लस आ गया। यहाँ हिट किया आपने, तो ये ब्लेंड हो गया। ठीक, अच्छा, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप वाइट एरो लें, और इसका मैंने पॉइंट, यहाँ से पॉइंट मैं इसको होल्ड करता हूँ। ठीक, इस तरह आप इसको मूव मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बनाने के बाद भी कलर चेंज करना है आपको, कलर चेंज कर लें। ठीक है जी, तो ये एक ब्रांड का ये भी तरीका है, तो इसको भी ट्राई कीजिए ताकि और आइडिया हो। इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, और फर्दर क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, एक सर्कल लिया है, और एक मैंने, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं और ब्लेंड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो उसका बाद में चेंज कर लें। देखने, डबल क्लिक किया और मैं इस लेयर्स के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, ब्लेंड के अंदर आ गया हूँ। अब इसको आप मूव कर सकते हैं जिस तरह चाहें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, अच्छा, कलर चेंज करना है आप इसका। कलर चेंज कर लें, आउटलाइन कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और डबल क्लिक कर लें, या वापस एरो से आप पीछे चले जाएं, तो ये आप मेन पेज पे आ गए, तो ये भी एक तरीका है। ठीक, अच्छा, और आगे देखते हैं, और आगे क्या कर सकते हैं। मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, एक उसमें ग्रेडियंट कर लेते हैं, तो एक सर्कल बना लेता हूँ, और इसमें हम ग्रेडियंट अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, और आउटलाइन इसकी मैं नन कर रहा हूँ, नन कर रहा हूँ आउटलाइन कलर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करें, और इसको होल्ड करके ड्रैग कर लें, शिफ्ट प्रेस कर लें। ठीक है, और कंट्रोल डी, कमांड डी डुप्लीकेट के लिए। ठीक है, और इसको ऑल सेलेक्ट कर लें। ऑल सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आ जाएं, ब्लेंड में आ जाएं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड में मेक कर दें। ठीक है, ये देखें, अच्छा, इसमें जो है वो हम यहाँ से डबल क्लिक कर लेते हैं, तो ये 1 आ रहा है। इसको मैं अगर 20 कर दूँ, ये स्मूथ हो गया। ओके कर दें, ये देखें। ठीक, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ब्लेंड ऑप्शन में डबल क्लिक करें, यहाँ से भी आप ये चेंज कर सकते हैं। इसको मैं 30 कर दूँ अगर, ठीक है, और ज़्यादा स्मूथ हो गया। अच्छा, अब यहाँ एडवांटेज क्या है, मैं वाइट एरो से इसका जो सर्कल है वो चेंज कर लूँ कलर इसका, तो देखें क्या होता है। ठीक, तो आप ये सर्कल्स को सेलेक्ट करते हैं और इनके कलर चेंज करते रहें।
ठीक है, तो इस तरह भी आप प्ले कर सकते हैं। अच्छा, ये तो खैर हमने एक बना लिया। मैं यहाँ भी कुछ कलर चेंज कर लेता हूँ, उससे वाइट ही आ जाएगी। अच्छा, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ऑल्टर प्रेस करें उसको, मैं डुप्लीकेट कर लूँ और एक शेप बना रहा हूँ मैं। चलें सर्कल ही बना लेता हूँ, और दोनों को सेलेक्ट कर लें, शिफ्ट प्रेस करें, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। उसके बाद जाएँ ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड, ब्लेंड में जाने के बाद रिप्लेस स्पाइन कर दें। ठीक है, तो ये जो था आपका ब्लेंड, और वो इसके पाथ के साथ आउटलाइन के साथ ब्लेंड हो गया। ठीक है, तो इसको इतना करें, फिर हम आगे देखते हैं।